धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि कोई भी चीज जीवन में एकदम से नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है, तब जाकर के होता है। जैसे क्या है कि माली होता है, अगर वो 100 घड़ा भी पानी डाल दे ना पेड़ में, पौधे के अंदर, तो फल नहीं निकलेगा। फल तभी निकलेगा जब उसका टाइम आएगा। तो आज एक टाइम ऐसा आया है कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे थे, जिसमें हम क्या है कि रिवेन्यू शेयर पे हम काम दे रहे थे आपको, यानी कि आपको कमीशन काट के कंपनी जो है पैसे दे रही थी। आज हम ऐसी वीडियो लेके आए, धांसू वीडियो, जिसको आप देखेंगे तो एकदम एक्साइट हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। काम की बात आज बताने वाला है, तो मैं ये कहूंगा कि आज वीडियो आप पूरा देखना। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है कुछ लिमिटेड लोगों तक ही जा पाती है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे अपनी गाड़ी को फिक्स में लगा करके, फिक्स बिजनेस, यानी कि गाड़ी चले ना चले आपको एक फिक्स बिजनेस आएगा। तो इस तरह के बिजनेस में कितना पैसा आएगा और किस तरह से आपको काम करना होगा और कहाँ कहाँ पर गाड़ियाँ लगेंगी, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में पूरा देंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि स्किप जब आप लोग करते हैं, मैं देखता हूं कि 10 मिनट का वीडियो है तो आप लोग 2-3 मिनट ही देख करके कॉल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप डायरेक्ट हमारे पास आएंगे खाली गाड़ी अटैच कराने के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉल पर हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर कॉल पर रिप्लाई, क्योंकि हमारे पास क्या है कि वीडियो लाखों लोग देखते हैं, तो लाखों लोगों को तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते ना कॉल पर, सब लोग अगर कॉल करेंगे तो। आप जो है वीडियो देखिए और पूरा प्रिपेयर हो जाइए, माइंडसेट बना लीजिए कि हाँ हमको गाड़ी अटैच करानी है, तब जाकर के हमें कॉल करिए और लोकेशन वगैरह हम दे देंगे आपको कहाँ पर आकर के गाड़ी अटैच करनी है। अभी हम बताने वाले हैं कि वीडियो के माध्यम से कि आपको एक फिक्स इनकम कैसे जनरेट होगा। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर रह रहे हैं, नोएडा गुड़गांव दिल्ली में कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि गाड़ी ले आकर के हमारे ऑफिस में दिखाना होगा कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, क्योंकि गाड़ी जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसकी सीट कवर वगैरह प्रॉपर नए होने चाहिए, फटा ना हो, गंदा ना हो, हाँ, तो पूरा तरीके से लेकर के आना है। जैसा हमारा कंपनी का रूल है कि हम लोग जो है अगर पैसे आपको दे रहे हैं एक फिक्स अमाउंट, तो बहुत सारी चीज़ें हम आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे। तो अभी हम वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि आप जो है किस तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे और क्या क्या चीज़ें करना होगा और कैसे आपको बिजनेस मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा जो आपको लेकर के आना होगा एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि हम हर गाड़ी पे एग्रीमेंट करते हैं और डॉक्यूमेंट लेते हैं गाड़ी और ड्राइवर के। तो विदाउट एग्रीमेंट हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि कॉल में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे सर एग्रीमेंट करेंगे ना आप, तो बिल्कुल करेंगे एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट का क्यों काम करना। क्योंकि देखो कंपनी है, कंपनी में आप गाड़ी लगा रहे हैं, आप हमारे पास नहीं लगा रहे हैं। हम तो आज कंपनी में हैं और कल के डेट में किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो मान लो किसी व्यक्ति विशेष के साथ तो आप काम नहीं कर रहे हैं, आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो कंपनी के साथ जब आदमी काम करता है तो एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो उसको जोड़ता है, क्योंकि व्यक्ति तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो कंपनी है वो तो परमानेंट रहेगी, हमेशा रहेगी, और वही एक एग्रीमेंट होता है डॉक्यूमेंट जो आपको सबूत रहता है कि हमारी गाड़ी आपके पास अटैच है। और कोई भी अच्छी कंपनी है तो वो विदाउट एग्रीमेंट आपकी गाड़ी अटैच नहीं करेगी, कोई बात पे किसी के कहने पे कहीं पे ऐसा हो गया कि हाँ हो गया, ऐसा नहीं, बिना डॉक्यूमेंट के काम नहीं होता है। तो
तो सबसे पहले ये है कि गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज़ एक्सपायर्ड ना हो, हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा है कि गाड़ी जो है इनोवा क्रिस्टा होनी चाहिए। अभी जो हम गाड़ी जिसके लिए बात करने जा रहे हैं कि कितना अमाउंट मिलेगा, है वो जो रिक्वायरमेंट है इनोवा क्रिस्टा के हैं। तो इनोवा क्रिस्टा जो गाड़ी अगर आपके पास है, और वो भी पीली नंबर प्लेट की होनी चाहिए, लोग वाइट नंबर प्लेट वाले भी कॉल करते हैं, तो वो ना करें। अभी जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो पीली नंबर प्लेट की है, येलो नंबर प्लेट की गाड़ियों की। तो येलो नंबर प्लेट की अगर इनोवा क्रिस्टा आपके पास गाड़ी है तो आप हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट देना है। ड्राइवर का डॉक्यूमेंट में आपके जो उसके पुलिस वेरिफिकेशन होने चाहिए प्रॉपर, उसका आधार कार्ड उसके साथ होना चाहिए, बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट लगभग जो हर ड्राइवर के पास होता है वो रहता है, वो लेकर के आना आपको। और उसके ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसने वैक्सीनेशन प्रॉपर करा रखा हो कोविड का, हाँ ये सब चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि अगर गाड़ी आपके नाम पे है तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी हम आपसे लेंगे, जो गाड़ी ओनर का है, क्योंकि गाड़ी ओनर के ही अकाउंट में पेमेंट जाता है, तो उनके जो है आधार कार्ड पैन कार्ड और कैंसिल चेक या पासबुक का जो बैंक का पासबुक का होता है उसका फोटोग्राफ हम लोग खींच लेते हैं ताकि आपके अकाउंट में इजीली पेमेंट मंथली जाता रहेगा। अभी क्या है कि हमारे पास जो गाड़ी लग रही है वो 1 अप्रैल से, ध्यान रखना कि मार्च तो खत्म हो रहा है, अब 1 अप्रैल से हम गाड़ी जो है लगाएंगे। तो 1 अप्रैल में जो इनोवा क्रिस्टा हम चलाएंगे वो 3000 किलोमीटर की आपको लिमिट के साथ एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि 3000 किलोमीटर की लिमिट रहेगी, 12 घंटा गाड़ी हमारे पास चलेगी, चलती नहीं चलती खड़ी रहती वो आपका हेडक नहीं है, वो ड्राइवर उसके साथ होना चाहिए आपका, 12 घंटे वो चलेगी। हाँ, दूसरा ये कि गाड़ी हम ड्राइवर के साथ ले रहे हैं आपसे। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास गाड़ी है ड्राइवर नहीं है, तो उनका अमाउंट अलग है, वो हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। अगर आप गाड़ी विदाउट ड्राइवर देना चाहते हैं तो वो अलग अमाउंट है, लेकिन अगर गाड़ी आपके पास ड्राइवर के साथ दे रहे हैं तो 95,000 हम आपको फिक्स देंगे, उसमें कोई कमीशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, वो आपको प्रॉपर पेमेंट मिलेगा। उसमें 3000 किलोमीटर की लिमिट रहेगी, 12 घंटे ड्राइवर जो है गाड़ी के साथ रहेगा, जो ड्यूटी हम देंगे उस ड्यूटी पर उसको जाना होगा। अगर 12 घंटे से ज्यादा अगर ड्राइवर काम करता है तो एक्स्ट्रा आवर उसको 200 रुपये हम देते हैं, 200 एक्स्ट्रा आवर मिलता रहेगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी पूरे महीने में, पूरे महीने का मतलब हो गया कि आपको 4 दिन छुट्टी भी मिलेगा महीने में, संडे, यानी कि मंडे टू सैटरडे आपको काम करना है, और आपकी जो गाड़ी है 26 दिन काम करती है महीने में, तो 3000 किलोमीटर की लिमिट अगर क्रॉस कर गया तो आपको 20 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये अमाउंट जो है आपको इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मान के चलिए अगर गाड़ी आपकी 3000 से ऊपर चल गई, मान लीजिए 1000 किलोमीटर ही ज़्यादा चल गई, तो आपके 20,000 रुपये तो ऐसे आ गए, यानी कि जो 95,000 फिक्स था 115,000 रुपये के आसपास आपको आता है। ऐसे ही अगर आवर्स कुछ बढ़ गए, कुछ किलोमीटर बढ़ गए, तो वो मेरे हिसाब से आपकी गाड़ी जो है मंथली 120-130 तक पहुंच जाती है, 130,000 तक भी काम कर लेती है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और हमें बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी कंपनी को नहीं चाहिए, 10 से 15 गाड़ी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट लेकर के 1 अप्रैल से पहले आप हमारे अगर ऑफिस में विजिट कर लेते हैं तो हम आपकी गाड़ी को अटैच कर देंगे। हाँ, लेकिन गाड़ी की कंडीशन जो मैंने बताया उसके हिसाब से सही होना चाहिए, नीट एंड क्लीन गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। दूसरा है कि कंपनी के जो रूल और रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या कि गाड़ी जो है कंपनी के अंदर खड़ी होगी, क्योंकि बाहर अगर आप ले जाएंगे, अगर आप अपने घर ले जाते हैं तो क्या होता है क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो मैं ये कहूँगा कि ड्राइवर को कंपनी के आसपास में ही रहना होगा, या वो अपने खर्चे से, अपने कन्वेंस से गाड़ियां खड़ी करके जाया करेगा, फिर सुबह आकर के लॉग इन करेगा, तो उससे क्या होगा कि आप अगर कोई इशू होता है तो आपके ऊपर बात नहीं आएगी,
किलोमीटर भी आपके बचेंगे। गाड़ी कंपनी में आप खड़ी हो गई, आप कहीं बाहर नहीं जा रही है, कोई एक्स्ट्रा आपका वो नहीं हो रहा है, तो किलोमीटर के भी वो बचेंगे आपको। अगर आप गाड़ी के ओनर हैं, अगर आपने ड्राइवर हायर कर रखा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ड्राइवर को जहाँ पे आप 20,000 रुपये महीने का सैलरी दे रहे हैं, आप उसे 25,000 दीजिए। लेकिन उसको ये बोलिए कि भैया क्वालिटी मेंटेन करना है आपको, और कंपनी के में गाड़ी कंपनी के अंदर गाड़ी खड़ी करके आपको अपने कन्वेंस से जाना पड़ेगा, तो आपकी ड्राइवर की क्वालिटी भी सही रहेगी और गाड़ी की क्वालिटी भी सही रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी जो है लोग ले करके चले जाते हैं, पता चलता है कि वहीं से लेकर के ड्यूटी में भी चला गया, तो वो जो है गाड़ी में कोई गंदी है या कुछ भी है, हाँ वो साफ नहीं किया या क्वालिटी नहीं है उस तरह का, तो आपके कंप्लेन आएंगे, तो कंप्लेन आएगा तो डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन होगा तो अमाउंट आपके कम हो जाएंगे, जो 95 मिल रहे हैं वो कट करके आने शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप लोगों ने इतने दिनों से हमारा वीडियो देख रहे थे, लेकिन अभी तक हमने फिक्स गाड़ियों का कोई नहीं डाला था वीडियो। आज मैंने ये वीडियो इनोवा क्रिस्टा फिक्स गाड़ी का डाला हूँ, जो आप देख करके आप हमें कॉल करना, और उसके अगले दिन आप हमारे ऑफिस में आइए और गाड़ी अटैच करिए, 1 तारीख से गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। तो देर मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जो आपके इनोवा क्रिस्टा वाले भाई हैं उनको बताइए कि इस तरह का रिक्वायरमेंट है, और आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, गाड़ी आप कंपनी में रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं है गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है। हाँ, अगर ड्यूटी आएगी तो ड्राइवर को मना नहीं करना है, कोई ड्यूटी ड्राइवर को जाना पड़ेगा। तो अभी तक लोग फ़ोन करते थे, बोलते थे कि सर कोई गाड़ी हमें फिक्स में लगानी है, फिक्स का वीडियो बताइए, कमीशन कंपनी का बहुत ज़्यादा है, हाँ इस तरह के लोग आंसर करते थे। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अब हम जो है कमीशन नहीं ले रहे हैं इस पर, कमीशन के बिना गाड़ी पे एक आपको फिक्स इनकम दे रहे हैं, यानी कंपनी जो है इस पर कोई कमीशन नहीं आपसे चार्ज करेगी। आपको एक अमाउंट दे दिया, एक किलोमीटर की लिमिट दे दिया, और डेली 12 घंटे का काम करना होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको भी एक हेल्प मिलेगा। क्या हो रहा है ना कि मार्केट के अंदर लोग कैश काम करते हैं, कैश का काम और क्रेडिट का काम, क्रेडिट के काम में डरते हैं, क्योंकि डरते इसलिए हैं कि कुछ लोगों ने उनको चीट कर रखा होगा, छोटे वेंडर जो होते हैं एक दो गाड़ी वाले, वो क्या करते हैं कोई पेमेंट रोक लेते हैं या नहीं देते हैं, तो उससे लोग डर जाते हैं, तो सोचते हैं हमें कैश का काम करना, जबकि कैश का काम बहुत खतरनाक है। आपको ये अगर बता दूं कि कैश का काम सबसे बड़ा जोखिम भरा होता है, क्योंकि आपके पास जो कैश का कस्टमर आ रहा है, पहले तो आपको यही नहीं पता कि वो कस्टमर कहाँ से आ रहा है, पूरा ट्रिप उसने कर लेके और चला गया और आपको पेमेंट नहीं दिया, तो फिर तो आपके गए कितने, बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो आपके पास गाड़ी हायर करके जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, मनाली चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ क्या होगा कि आप होटल में छोड़ेंगे और गाड़ी आप पार्किंग में लगा दिए, अब कस्टमर जो है वहाँ से कोई और गाड़ी बुक करके कहीं और चला जाता है और आप वहीं खड़े रह जाओगे, पेमेंट गई आपकी, आपने 10 दिन 12 दिन 5 दिन जो भी 7 दिन आप उसके साथ रहे, वो पेमेंट चली गई, आप कस्टमर को जानते भी नहीं हो कि कहाँ से आया, वो ऑनलाइन आते हैं बुक करते हैं, आप कैश के चक्कर में चले जाते हो, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो मैं कहूँगा आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए, आप डेली देखो एक दिन कैश का काम आएगा, डेली थोड़ा आएगा, डेली वाला काम जो है कंपनी में आएगा, तो कंपनी में आप जोड़िए अपनी गाड़ी को और ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कीजिए। ये 95,000 तो बेस अमाउंट है, अगर गाड़ी एक्स्ट्रा किलोमीटर एक्स्ट्रा आवर जाएगी ना, तो ये अमाउंट बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आपको लगता होगा कि कम है, लेकिन कम नहीं है, ये भी अगर देखेंगे आप तो ये भी बहुत अच्छा अमाउंट है। आप जिसकी गाड़ी EMI फ्री है तो उसके 40-50,000 रुपये बच जाएगा खर्चे काट के। तो आप मैक्सिमम लोगों को यही बताऊंगा कि आप जो है गाड़ी लगाइए और हमसे जुड़िए, हम आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।